बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और कभी ना कभी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज जितना भी डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है बहुत ही जबरदस्त किस्म का सर्दियों की सौगात बनाने जा रही हूँ। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बिल्कुल सर्दियां शुरू हो चुकी थी तब बनाना चाहिए था या सर्दियां शुरू होने वाली थी तब बनाना चाहिए था, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से और मैंने खुद हर दूसरे दिन में कहती थी मैं बनाऊंगी, लेकिन मसरूफियात इस तरह की हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। दो कि मेरा बड़ा खुद का भी दिल था कि मैं थोड़ा सा खुद भी कुछ इस तरीके के हेल्थी बाइट्स जो है वो जरूर अपनी डाइट में शामिल कर लूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो आप चलते हैं जी, आज जो ये सारा आप डिस्प्ले देख रहे हैं, यस वी आर गोइंग टू मेक पंजीरी, ट्रेडिशनल पंजीरी। वैसे तो डिफरेंट पंजीरी आप बना लेते हैं अपने हिसाब से चीजें डाल देते हैं उसके अंदर, डिफरेंट टेस्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू मेक ट्रेडिशनल पंजीरी जो कि बेसिक पंजीरी है और बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, एवरी वन कैन ईट, तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके सामने बिल्कुल हेल्दी बाइट्स हैं। ऑल ड्राई फ्रूट्स आर हेयर, फिर देसी आटा है, सेमोलिना सूजी है और देसी घी और कुछ सीड्स हैं। वैसे ओवरऑल तो आप बहुत से सीड्स इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको अपने जहन में रखें तो आपको कुछ चंद चीज़ें जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं, डाइजेशन के लिए भी अच्छी हैं, तो आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी वी आर गोइंग टू मेक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने इंग्रेडिएंट्स देखने जा रहे हैं। पंजीरी बनाने के लिए फॉर गॉड सेक आपने डालडा घी, ब्रांड का नाम नहीं मैं लेती, आप कोई भी घी इस्तेमाल ना करें जिसको बनस्पति घी कहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ देसी घी इस्तेमाल करना है। और ये कल ही जो है वो मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया था, जो हमारे घर में दूध देने के लिए आते हैं भाई, उनको आज वो शाम को ही जो है ये देसी घी लेके आए हैं और ये बिल्कुल जबरदस्त देसी घी है। मैंने पहले जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो मंगवाया था, उन्होंने एक दो स्पून मुझे ला के दिए थे, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया कि आप मुझे देसी घी ला के दें। ये जो देसी घी है ये अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम है, तो इस रेसिपी के अंदर हम जो है वो 300 ग्राम जो है वो देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और जो इसका अरोमा इस वक्त उठ रहा है आई कैन एक्चुअली फील दैट। और जब आप भी अच्छा सा देसी घी खरीदेंगे तो आप भी उसको फील कर सकेंगे। फिर इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स को बेसिकली मैंने क्रश करना है, जो नारियल था उसको तो मैंने जो है वो मैंने छोटा छोटा जो है वो कट कर लिया है, इसको आप डाइस कटिंग भी कह सकते हैं और इसको आप जो है वो स्मॉल क्यूब कटिंग भी कह सकते हैं। इसको तो हमने क्रश नहीं करना, इसको हमने इस तरीके से जो है वो इस शेप में जो है वो अपनी रेसिपी के अंदर ऐड करना है। लेकिन जो बादाम है, पिस्ता है और काजू है, ये हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट हैं जो कि ये 150 ग्राम है और ये 100 ग्राम पिस्ताशू है और ये 150 ग्राम जो है वो मेरे पास इस वक्त जो है वो कैशोनट है। ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मैं अभी बेसिकली जो है वो मोटा मोटा सा क्रश कर लूँगी और मैं मशीन के जरिए ही क्रश करूँगी। इसको जो है वो मखाना कहते हैं और इसके अलावा आप मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से इसको जो है वो पुकारते हैं, फूल मखाना इसको कहते हैं। और ये जो मखाना है ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ये वेटलेस होता है तो ये इस वक्त मेरे पास जो है वो 100 ग्राम है। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये वेट लेस है इसलिए इतना ज्यादा है। और चूंकि मैं अपनी अम्मी के लिए, सिस्टर, सभी लोग इसको खाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया घर के जितने लोग हैं वो सब इसको खा सकते हैं, इस वजह से जो है वो मैं इसके अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो 150 ग्राम ही जो है वो शक्कर ऐड करूंगी। आप गुड़ और शक्कर में कोई फर्क नहीं होता, जो गुड़ होता है वही बेसिकली शक्कर होती है और अनरिफाइंड शुगर इसको कहते हैं, अनरिफाइंड ब्राउन शुगर कहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। ये लाइट ब्राउन कलर में भी आती है, येलोइश कलर में भी होती है, डार्क ब्राउन कलर में भी होती है, तो ये बेसिकली जो हमने खरीदी है तो ये हम लोगों को मिली है लाइट येलोइश कलर में, तो हम इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेमोलिना सूजी। सूजी जो है वो 1.5 कप मैंने लिया है इस वक्त, और सूजी के बगैर तो अगर आप चाहें कि आप ट्रेडिशनल पंजीरी बनाएं तो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन इफ यू वांट टू स्किप दिस इंग्रेडिएंट यू कैन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सीड्स के ऊपर, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सीड्स यू कैन ऐड, 4 मगज हो गए। फिर इसके अलावा हम अगर बात कर लेते हैं सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो अगर आप
अच्छा, इसका एक जो है वो ब्लैक सीड्स जो कलवंजी है वो बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इट्स रियली 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 गुड फॉर हेल्थ। आप वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप जो है वो अपने स्पेसिफिकली खुद के खाने के लिए जो है वो बना रहे हैं, या आप जिसके खाने के लिए बना रहे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं, अगर दे लाइक इट यू शुड ऐड ब्लैक सीड्स इन योर ट्रेडिशनल पंजीरी। तो आई हैव टू बेसिकली सीड्स विच वी आर आई एम गोइंग टू एड इन माई ट्रेडिशनल पंजीरी। वन इज फ्लैक्स सीड एंड सेकेंड वन इज सेसमी सीड्स। तो सफेद तिल और अलसी के बीज, इनको मैंने साफ कर लिया है, और ये जो है वो तीन तीन बड़े खाने के चम्मच में इस रेसिपी के अंदर ऐड करूंगी। लास्ट एंड सबसे अहम इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है वो देसी आटा है। देसी आटा इस वक्त जो मेरे पास है वो आधा किलो है, और आधा किलो जो है वो इसके अंदर में आटा ऐड करूंगी जो कि बिल्कुल देसी है। और ये हमारे साथ वाले नेबर्स में लेडी आई थी, वो अब जा चुकी हैं, उन्होंने मुझे ये आटा दिया था, और इट्स प्योर देसी आटा, मुल्तान में उनका गांव है और वहां से आया था। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले जो है वो हमने क्या काम करना है, हम कैशू नट पिस्ताशियो एंड ऑलमंड को जो है वो क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हम आटे को भूनेंगे, फिर सूजी को भूनेंगे, अलग से फूल मखाने को भूनेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इन सारी चीजों को हल्का सा भूनेंगे, सीड्स को भूनेंगे, फिर उसके बाद देसी घी के अंदर तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स ऐड करके जो है वो हम अपनी पंजीरी तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टेप्स आर रियली इजी, यू ऑल कैन मेक वाया दिस पर्टिकुलर स्टाइल और रेसिपी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहले हम जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स को क्रश कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको मैंने क्रश कर दिया है, और यू कैन सी कि किस तरीके से जो है वो मैंने इनको क्रश कर दिया है। ये ऑलमंड है, ये पिस्ताशियो है, और ये कैशू नट है। अब जो है वो सबसे पहले फूल मखाने को जो है वो हम भुनाई करते हैं थोड़ी सी उसकी, फिर उसके बाद आटे की, सूजी की, और ये सारे स्टेप्स जो है वो हम मिलकर जो है वो करते हैं शुरू। फ्लेम के ऊपर आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो मुझे हमेशा फेस करनी पड़ती है, और मैं आपको बताऊँ कि मैं किस कदर मुश्किल से जो है वो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अभी बिल्कुल स्वीट गेस्ट जो है वो जा चुकी है, और रात के अप्रोक्सीमेटली 9:30 बजे हैं, लेकिन वील फाइट और वील मेक ऑन दिस हीट। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको ऑन टाइम ही पूरी वीडियो मिलेगी। तो ये फूल मखाने हैं, उनको सबसे पहले जो है वो मैं 4 से 5 मिनट तक भुनाई करूंगी। चूंकि स्वीट गैस थोड़ी कम है, लेकिन अगर स्वीट गैस नॉर्मल हो तो मीडियम पे आपने 2 से 2.5 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेनी है। आप मैं इनको भूनूंगी 4 से 5 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फूल मखाने जो हैं उनको मैंने जो है वो मैंने उनकी भुनाई कर ली है, और अब जो है वो मैं इनको निकाल देती हूँ। अब ये जो फूल मखाने हैं इनकी बेसिकली भुनाई होगी, और अब आपको इसकी आवाज आ रही होगी कि ये किस तरीके से जो है वो खस्ता हो चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या काम करना है, हमारे पास इस वक्त जो है वो सेसमी सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, मैंने इनको बिल्कुल जो है वो दोनों को मिक्स करना है, और इनको 1 मिनट के लिए भुनाई करनी है। इसलिए भुनाई करनी है कि ताकि इनका अच्छे तरीके से जो अरोमा है वो हमारी रेसिपी के अंदर शामिल हो सके। और 1 मिनट के बाद जो है वो इसको भूनने के बाद हम भुनाई करेंगे सूजी की। अल्हम्दुलिल्लाह, जो फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड है इनकी भुनाई मैंने कर ली है, और इस तरीके से ये सीड्स जो हैं ये देखें बड़ा अच्छा अरोमा इनका निकल गया है। इनको भी मैं जो है वो अब डाल दूंगी एक बर्तन में, और ये इस तरीके से जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो सूजी की भुनाई शुरू करनी है। ये हमारे पास सूजी है 1.5 कप। अब इसकी हम भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, हम इसकी जो है वो भुनाई करते रहेंगे, और इस तरह जो है वो हमारी सूजी भी जो है वो भून के तैयार हो जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी जो है वो देखिए कि भुन चुकी है, और अब जो है वो मैं इस सूजी को जो है वो एक बर्तन में निकाल लूँगी। कुछ इस तरीके से भुन के सूजी का कलर आ गया है। अब इस सूजी को जो है वो मैं निकालूँगी और दोबारा से जो ये ट्रे, जो ये ट्रे नहीं है जनाब, ये है कढ़ाई है, इसके अंदर अब जो है वो आटा मैं शामिल करूँगी। और अब ये जो आटा है इसकी मैं भुनाई शुरू करूँगी और इसको भी लाइट ब्राउन होने तक मैं कंटिन्यूसली भूनती रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आटा है देसी, उसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ, वो ये है कि अगर इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर अगर आटे की सही तरह से भुनाई नहीं होगी तो आपके पंजीरी के अंदर जो है वो एक आटे का कच्चापन आपको महसूस होगा, जिसकी वजह से आप ये पंजीरी नहीं खा सकेंगे। और आप इसके अंदर जितने भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे दे ऑल आर एक्सपेंसिव, तो आपकी जो पंजीरी है वो सही नहीं बनेगी, आप उसको खा नहीं सकेंगे, तो डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगी। तो आपने जो है वो आटे की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एटलीस्ट 25 मिनट तक आपने आटे की भुनाई करनी है, और जब आटे के अंदर से आपको धुआं निकलता हुआ महसूस हो और आटा जो है वो लाइट ब्राउनिश कलर में चला जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आटा की जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, और फिर आप उसको पंजीरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आटे की भुनाई हो गई है। अब आटे को मैं उसी बर्तन में डाल देती हूँ जिसके अंदर मैंने जो है वो सूजी डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हो चुके हैं, अब असेंबलिंग आ चुकी है और लास्ट प्रिपरेशन, लास्ट स्टेप आ चुका है। और ये जो देसी घी है ये तमाम का तमाम जो है वो इस वक्त मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो शामिल कर दिया है, और बहुत महंगा है इसलिए तो अनु जितने प्लेट इच लगे हुए नजर आए उन्हों पा दो कढ़ाई के विच। अब इसकी जो है वो मेल्ट होने का इंतजार करेंगे, जैसे ही मेल्ट होंगे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी जो है वो हमारा इस वक्त गर्म हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड्स थे जिनको हमें भूना था, हम इसके अंदर जो है वो इनको शामिल करेंगे। इनको शामिल करेंगे, इनको अच्छे तरीके से घी के अंदर जो है वो हम मिक्स करेंगे ताकि हमारी पंजीरी के अंदर इन सीड्स का अच्छे तरीके से अरोमा शामिल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी देसी घी की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर सीड्स के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स डालना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कोकोनट, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी फ्रेश बादाम, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पिस्ता। बहुत एहतियात से बनाइएगा, मैं आप पहले बार बार मैं ये कह रही हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, और हर चीज ताकि आप अच्छे और बेहतर अंदाज में बना सकें। और ये हमारे पास कैशनट, ये अब देसी घी के अंदर हमने इसकी करनी है भुनाई। दो से 3 मिनट इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट्स की और सीड्स की जो है वो देसी घी में भुनाई मैंने कर दी, और आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से अब ये पक गए हैं और ये उबल रहा है। इस मकाम के ऊपर जो है ये फूल मखाने जो हैं ये इसके अंदर मैं शामिल करूंगी और इनको मिक्स करूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट्स की देसी घी में भुनाई हो गई है। अब ये जो सूजी और देसी आटा है जिसको हम लोगों ने पहले ही भुनाई कर लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सूजी और आटा था वो मैंने मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी इसके अंदर ऐड कर दें। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इस पंजीरी को बनाएंगे, आप खाएंगे, आप इसको जिस तरीके से 1/2 kg, 250 ग्राम, 1 kg लोग बना के भी सेल आउट करते हैं, आप इस तरह बनाएंगे, आप इसको सेल आउट करेंगे। जो एक दफ़ा आपसे लेगा वो बार बार लेगा। और ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी तैयार हो गई है। आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हम सब को रिस्के हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के दस्तरखान इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो वसी रखे और हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी आप लोगों के सामने बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप बनाएं मजे से खाएं। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप जब बनाएंगे तो भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। टाइम आ गया है टेस्टिंग का और मुझे नहीं पता कि वेयर इज स्पून, तो मुझे ये कॉफ़ी स्पून मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी में से थोड़ी सी चेक कर देती हूँ। आप पर्सनली अब मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं, आई डोंट लाइक पंजीरी। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों को सिखाने के लिए और बताने के लिए। तो अब जो है वो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सच बताऊंगी कि इतने स्टैंडर्ड में इसमें मीठा है और आउट क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, ये पूरी रेसिपी, और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और अपनी सपोर्ट जो है वो जारी रखें ताकि हम मजीद इस तरीके से हमारा साथ जो है वो बंधा रहे। समय रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।